सर आपसे जानना चाहेंगे कि कल का जो जलसा है इससे क्या तवक्कुआत है और तैयारियां जो है वो किस हद तक पहुंच गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके सामने और तैयारियां हमारी काफी अर्से से जारी है, पूरे डिवीजन में जारी है। माशाल्लाह लोगों का जज्बा है, वलवल है। मैं तो अभी वही लोगों का जज्बा देखे और नीचे ग्राउंड से देख रहा हूँ, मुझे तो बहुत बहुत छोटा ही लग रहा है इस ग्राउंड से भी। मुझे मतलब कई गुना लोग ज्यादा होंगे और जलसा भी शानदार भी होगा और इंशाल्लाह जानदार भी होगा। लोगों में एक जज्बा है जो हमने होमवर्क किया है और जय उनके जगह जगह छोटे छोटे प्रोग्रामों में गए जिन्हें सब अब तक इजाजत नहीं देगी, तो क्या समझते हैं कि आप कल तसादुम आप देखते हैं कल जल से? नहीं, हम इसी तरह सोच भी नहीं सकते कोई तसादुम का। ये ग्राउंड भी हमारा है, आवाम का है और रिस्पॉन्स का है और जलसा भी आवाम और कौम का है और रिवाज मुतारिवाज भी आवाम के है, तो मुझे इसमें कोई तजाद नहीं लगा है। इंशाल्लाह तरह जलसा होगा और खैर खीरियत से होगा, कोई इस तरह बात नहीं होगी, सामने नहीं आएगी इंशाल्लाह। जैसे में कौन से कायदे शिरकत करेंगे? मौलाना अहमद रहमान की तबीयत भी खराब है, तो क्या उसकी उम्मीद है? जो खबरें तो अच्छा साथ ही आएगा और हमारी लीडरशिप भी आएगी, शहबाज शरीफ साहब और शाहिद खान और दूसरे पार्टियों की लीडरशिप भी आएगी इंशाल्लाह, ठीक ठाक लीडरशिप यहाँ मौजूद होगी। ये सब पीडीएम की तवील खामोशी के बाद एक दफा फिर जलसे और जुलूसों का सिलसिला शुरू किया गया है, तो मकसद क्या है कि हुकूमत को घर भेजने का? मतलब ये पीडीएम की जो तारीख है अभी वो आवाम की तारीख बन चुकी है, गली गली और कोचों में जो हमारे डिमांड है वो आवाम की भी है और आवाम चाहते हैं कि नारायण उसे नजात मिल जाए। मैं कहता हूँ कि हमारी तो वही बात अभी आवाम में शिफ्ट हुई है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद है जज्बे से और वही तो पूरे कौम ने नालायक को मुस्तरद किया है। अगर ज़िमनी इंतखाबात में भी मुस्तरद हो जाए अपने गवर्नमेंट होते हुए सुबह और मरकज सुबह से आगे क्या बात हो सकती है? अगर बहरहाल ये सियासत में ज़रूरी है कि कभी कभी आवाम के एहतजाज और जज्बात भी दिखाए जाए, उसके तहत इस पीडीएम की लीडरशिप ने जैसे की मंजूरी दी और इसका ऐलान किया है और हम तो वर्कर लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला जानदार और शानदार हो।